अरे कॉल यू प्लीज हाँ प्लीज आई वांट टू अरे इसके लिए यही दिक्कत है कि सब आते हैं यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, सोच के आते हैं कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है और आके देखते हैं कि थोड़ा बारिश के बाद इतना पानी भर गया है। एएसआई के अंडर में एएसआई को का यही है कि प्रोटेक्ट करने हैं मॉन्यूमेंट्स, तो जब तक पानी से सेव नहीं करेंगे इसको तो कैसे इसका अपना काम पूरा नहीं कर रहा ना एएसआई। दे हैव टू डू समथिंग कि ये पानी वाटर लॉगिंग ना होए और टूरिस्ट लोग आराम से आकर के यहाँ देख के जाएं। काफ़ी दूर दूर से लोग इंडिया से आते हैं, बाहर से भी आते हैं। क्योंकि ये इतना भव्य मंदिर, एटलीस्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि इतने सारे जो टूरिस्ट आते हैं उनको इस बात का ख्याल रखें कि जो अपना समय और पैसा लगा करके इसको देखने आते हैं, इसकी भव्यता को देखने आते हैं, उसको ख्याल रखते हुए सब तरह की व्यवस्था करी जानी चाहिए। आज इतनी छोटी सी बरसात के बाद आधा जो प्रांगण है वो पानी में डूब गया है, इसकी वजह से वहाँ पर हम जा नहीं सकते और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। पानी पानी कितना पड़ेगा।